आपका अफसर सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जी सर। तो ये अभी आप कोई नौकरी करते हैं? हाँ सर। क्या करते हैं? अभी मैं स्टडी करता हूँ, तैयारी। अच्छा, तो क्यों पीसीएससी क्यों करना चाहते हैं सर? क्योंकि मैंने जब मैं छोटा था तो मैंने सरकारी कॉलेज से स्टडी की, तो वहाँ एक बार फेयरवेल हुआ था और एक मेला भी लगा था कृषि और किसानों के लिए। तो वहाँ एसडीएम साहब आए थे, तो मैंने देखा था वो जो किसानों की प्रॉब्लम थी वो अच्छे से उनका सॉल्यूशन निकाल रहे थे। और जैसे काफ़ी लोग थे जिनकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती थी, तो उन्होंने उनसे कहा और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही। तो उसी दिन मेरे मन में ये ख्याल आया था कि मैं एक दिन एसडीएम बनूंगा। गांधी जी का नहीं देखा आपने कुछ भी? गांधी ने तो पूरे देश की प्रॉब्लम सॉल्व की थी, देश को आज़ाद कराया जी। तो वो तो कभी पीसीएस थे ना, गांधी जी से प्रेरणा क्यों, एसडीएम से प्रेरणा क्यों ले रहे हैं सर? क्योंकि गांधी जी को मैंने देखा नहीं उस समय में इतना, जैसे कि मैं 6 या 7 में पढ़ता था, तो गांधी जी से उतना, गांधी जी के बारे में उतना जानता भी नहीं था। या अरे अब तो जान गए होंगे, अब जान गए, लेकिन सर वो बचपन में गांधी जी के एसडीएम से बड़ा काम किया है ना समाज सेवा। तो बड़ी बड़ी समस्याएं समाधान किया, देश की प्रतंत्रता समाप्त की, उन्होंने उसमें योगदान दिया। सर गांधी जी को, गांधी जी का मैं सम्मान करता हूँ और उनको भी मानता हूँ, उनके लेकिन बनना है एसडीएम जी। अच्छा, ये सोशियोलॉजी में अगस्त कांटे जो है क्या योगदान है उसका? सर अगस्त कांटे जो है वो सोशियोलॉजी के जन्मदाता है जी। और क्या योगदान क्या है? सर उन्होंने सोशियोलॉजी को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकृति दिलाई। उनकी विचारधारा क्या जानते हैं? उनकी विचारधारा उद्ध विकासवादी विचारधारा है। उद्ध विकासवादी विचारधारा क्या मतलब इसका? जैसे कि सर उन्होंने बताया है कि किसी भी सब्जेक्ट पे का जो उदय होता है वो स्वतंत्र रूप से नहीं होता, वो स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे कि सर्वप्रथम जो पहले सब्जेक्ट आया है वो प्रत्यक्षवाद क्या है? प्रत्यक्षवाद एक उनका वैज्ञानिक सिद्धांत है, वो समाजशास्त्र को विज्ञान की तरह ही मानते थे और विज्ञान ही बनाना चाहते थे। तो ये प्रत्यक्षवाद एक ऐसी विचारधारा है जो तार्किकता पर आधारित है। जी, ये जो हमारे समाज में जाति का भावना है, जाति की, वो बढ़ रही है कम हो रही है पिछले 50 साल में? सर जाति की भावना है, जात का सर भावना है, जो जात का पहले जो स्वरूप था वो उसमें उसके स्वरूप में बदलाव आ रहा है, लेकिन जाति घट भी रही है और उसके स्वरूप को जो प्राचीन स्वरूप था उसमें परिवर्तन आ रहा है। लेकिन जैसे कि सर कुछ क्षेत्रों में जाति बढ़ भी रही है, जैसे कि आप राजनीति को ले सकते हैं, उसमें देखा जा रहा है तो कुछ समय के लिए कुछ टाइम बैक पे जैसे कि इलेक्शन आता है तो उस समय जातिवाद बढ़ घट कहाँ रही है? घट रही, जैसे सर खान पीन में पहले प्रतिबंध था, उस समय पहले के समय आज से 50 साल पहले खान पान संबंधी समस्या था। और वरीयता क्रम में किस पद को पहले रखना चाहेंगे? सर पहले तो मैं एसडीएम, क्योंकि मैं एसडीएम बनना चाहता हूँ सर। एसडीएम सर पद तो माननीय आयोग कभी देता ही नहीं, आप कौन सा पद बनना चाहेंगे? बढ़ाया कभी आपने उसको? सर सर एसडीएम जैसा पद तो कभी आयोग ने कभी घोषित किया ही नहीं, कभी आपने पढ़ा उसका वरीयता क्रम कौन सा पद पहले नंबर पर रहता है? सॉरी सर, तो डिप्टी कलेक्टर का पद तो जानते होंगे? ये सर उसी पद की नियुक्ति की जाती है एसडीएम के चार्ज होते हैं जी जी जी। ये सोशल मीडिया जुड़े हैं देखते हैं फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप वगैरह, ये जो आजकल राष्ट्रीय नायकों का विकृतिकरण किया जा रहा है देखा है, बहुत एग्रेसिव तरीके से, ये छोटा था, ये बड़ा था, ये बेकार था, ये गंदा था, ये ऐसा था, वैसा था, इसके बारे में आपके क्या विचार, क्या कहेंगे इसका समाजशास्त्रीय विश्लेषण कीजिएगा आप सोशल मीडिया? इसके साथ सबसे बड़ा ये इफेक्ट है जिसके साथ जो सोशल मीडिया है, तो उसमें जब कई लोग आपस में संवाद करते हैं तो बीच में कुछ लोग ट्रोल बाजी करने लगते हैं, जैसे ट्रोलिंग करते हैं, जिसे ट्रोलिंग मीडिया कहा जाता है। तो वो बीच में कुछ ऐसी अराजक बातों को डाल देते हैं कि उन पर जो मुद्दा था, जिस मुद्दे पे बात होती है उस मुद्दे से लोग भटक जाते हैं और फिर राजनीति के राजनेताओं के बारे में बहुत सारी जो विकृतियाँ जो निकल के आ रही हैं वो नेहरू जी के बारे में क्या जानते हैं?
नेहरू जी के बारे में, ये सब देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इन्होंने दो बार राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी की, एक बार 1929 लाहौर अधिवेशन में और दूसरी बार 1936 जोश। तो सर 1947-64 के बीच गांधी नेहरू जी का अपना योगदान था उस योगदान के परिचय सर सॉरी सर 1947-64 नेहरू युग के रूप में इतिहास में बताया जाता है, उसमें नेहरू जी का योगदान रहा है उसके बारे में सर। श्री जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं 1947 के बाद, उसके बाद बहुत सारे समस्याएं थी जैसे गरीबी दूर करना था और भारत के 150 वर्षों तक अंग्रेजों के शासन में रहा था, तो उस समय हमारी औद्योगिक जो व्यवस्था थी वो काफ़ी निचले स्तर पे आ गई थी, तो उसको उन्होंने बढ़ाने के लिए जैसे बड़े बड़े बांधों का निर्माण करवाया। अब जबकि उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे ये जो आजकल जो बड़े बड़े बांध बन रहे हैं ये हमारे तीर्थ हैं, मंदिर हैं, तो इस तरह से देखा जाए उन्होंने आर्थिक रूप से भारत को आगे बढ़ाया, सामाजिक स्तर पर भी उन्होंने काम किया, राजनीति में भी उन्होंने काफ़ी कुछ नियम बनाए, जैसे कि उन्हीं के कार्यकाल में जमींदारी अधिनियम आया था, जमींदारी उन्मूलन एक्ट अधिनियम आया था जिसके थ्रू उन्होंने जमींदारी उन्मूलन करना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, वो कहते हैं इसमें सूचना का युग जी, आप सूचना के का जो एजुकेशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा शिक्षा पर, सूचना जैसे नेगेटिव इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट को आप बहुत सारी चीज़ें बात करते हैं सर। नेगेटिव इम्पैक्ट इसका ये है जैसे कि जब शुरुआती चरण में कोई स्टूडेंट सूचना से जुड़ता है तो एक सूचना जैसे कोई अगर वो रजिस्टर्ड वेबसाइट है तो उस पर तो सही सूचनाएं होती हैं लेकिन उसके बारे में अनभिज्ञ होते हैं जिसे डिजिटल निरक्षरता बोलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम किसी भी वेबसाइट से सूचना प्राप्त कर लेते हैं, कभी कभी क्या होता है गलत सूचना भी प्राप्त कर लेते हैं, गलत सूचना को ही कंटेस्ट कर लेते हैं, इसलिए इस तरीके से देखा जाए तो सूचना टेक्नोलॉजी हमारे लिए घातक भी। और दूसरा ये देखा जाता है जैसे कि सर साइबर क्राइम, ये भी सूचना टेक्नोलॉजी से ही जुड़ा है क्योंकि अभी एक रिपोर्ट आई थी कि ये तो सुरक्षा पर प्रॉब्लम हुई, आप भी एजुकेशन पर बताना, एजुकेशन पर सही सर यही प्रॉब्लम है, कभी कभी गलत सूचनाएँ भी मिल जाती, बहुत सारी सर वेबसाइट पड़ी हैं तो उनमें गलत सूचना इसलिए तो सुझाव दिया जाता है जब हम कोचिंग से या कहीं जाते हैं तो एनसीईआरटी यहाँ भी सुझाव दे सकते हैं कि आप ये साइट नहीं ये साइट देखो, सब सुझाव दिया जाता है लेकिन सर उसमें गलत होती है इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए सर इसीलिए तो सर उसके पॉजिटिव ही लाभ है ना, बच्चों को कोई एडिक्शन भी हो जाता है क्या है आपको सर, एडिक्शन हो जाता है जैसे कि अगर मोबाइल चलाते चलाते बच्चे ज़्यादातर पढ़ने की बजाय गेम पे बिता तो शिक्षा प्रभावित होती है, प्रभावित होती है। और जो सर पहले क्या है एक मुझे स्टेटमेंट याद है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, तो इस उसके लिए खेल जरूरी होता है, लेकिन इस मोबाइल या सूचना टेक्नोलॉजी के युग में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उस टाइम वो खेल नहीं पाते हैं और उसके अडिक्ट हो जाते हैं, इस तरीके से देखा जाए तो घातक है। बच्चे जो वीडियो गेम खेलते हैं क्या वो स्पोर्ट्स नहीं है, खेल में या कुछ नहीं शामिल करते सर, स्पोर्ट है लेकिन सर जो पहले क्या पहले बाहर करी खेलते थे तो उससे कई उनके बॉडी में जैसे कि रक्त प्रसंस्करण होता था और बॉडी संबंधी चीज़ें उन्हें सुधारा था स्वस्थ रहते थे, लेकिन ऐसे सर सिर्फ मेंटली ही और एक ज़्यादा समय तक खेलते हैं तो उसका जो रेडिएशन निकलता है सर वो मस्तिष्क को इफेक्ट करता है और फिर वो स्ट्रेस होने लगते हैं। कुछ बताइए कोई आप ये जो आप मुझे संदेह हो रहा है कि आप फलक बिल्कुल नहीं मारते हैं क्यों सर, लगातार आप देखा इसने तो ये मुझे लगा कि जैसे कि थोड़ा सा ये आपकी हो सकता है बायोलॉजिकल होगी आंख प्लग से मारी चक्रत का
जब बात कर रहे थे एक भी बार बात नहीं मारी इन्होंने तो जिससे अंदर घूर सा रहा है कोई आदमी इस तरह का फीलिंग आ जाती है तो अगर आपको नेचुरल है तो कोई बात नहीं लेकिन दिस आई फेल्ट मैंने आपको बताया आप पलक बहुत कम मारते हैं आपको ये बात पता नहीं होगी जिसे आप लगातार बात करेंगे तो ये से ज्यादा लगेगा जैसे आप घूर रहे हैं उसे बात करने की बजाय तो चलो आपका ये है इसमें क्या कर सकते हैं तो बायोलॉजिकली है हम लोग आपने सही पैंट रखी है इसे ड्रेस पहन के जाइए सूट कर रही है आपको ये और सही बाकी तो ठीक है जब आपको दिक्कत है ना तो पीछे सक गए ऐसे बैठ जाओ नीचे हिप्स को नीचे में रखो उसे ये अब आपका अपने आप कमर टिक जाएगी अब देखिए आपने सूट की पोजीशन अपने आप से देखिए आपने देखिए पहले पूरा हाथ है नीचे अब एकदम स्ट्रेट हो ठीक है तो आप इसको कर सकते हैं कोई नहीं है और जानकारी तो आपको है आप कब है आपका इंटरव्यू सर मेरा 20 जनवरी को आपने जिसे आप काम टे का भी जवाब सही दिया है प्रत्यक्षवाद की भी बात सही बताई है आपने सर ने जो पूछा लगभग इनके वाले सवाल में एक्चुअली मैं समझता हूँ आप वही पूछना चाह रहे जो मैं बता रहा था मैं थोड़ा बहुत एडिक्शन नहीं उसमें एडिक्शन वाले भी पॉइंट्स है मेन चीज तो प्रॉब्लम्स इन्फॉर्मेशन में जैसे अभी हम आपको प्रश्न पूछ रहे हैं या सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप या तो बुक्स को ध्यान रखने की कोशिश करेंगे या इंटरनेट कहीं देखे होंगे उस पर पढ़ते हैं जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस थी सोचने समझने की क्षमता है जो ब्लॉक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको कंप्यूटर वगैरह से तो दिक्कत है खैर वो लॉजिकल होती जो पहले हम लोग पहाड़ा वैसे बताते थे कि 10 में 45 जोड़ना है तो 55 बता दें अब वो नहीं बता पा रहा बिना कैलकुलेटर के हाँ सर इससे एडिक्शन हो जाता है जैसे नहीं ये दूसरी बात है ये हमारी एबिलिटी की बात कर रहे हैं एडिक्शन तो है ही है एडिक्शन तो अलग है हमारी एबिलिटीज जो मैथमेटिकल एबिलिटीज है या आर्गू करने की क्षमता है वो तभी आती है जब हम आर्गू करें कैलकुलेशन करें उसमें जो प्रॉब्लम्स है जैसे आप एक समय में हम लोग राइटिंग की बहुत वैल्यू होती है आप कैसा लिखते हैं आप कीबोर्ड से लिखेंगे राइटिंग का कोई मतलब नहीं उससे भी डिजीज भी होती है उसको भी एक प्रॉब्लम है आप इंटरनेट या कंप्यूटर या जो भी सिस्टम इंफॉर्मेशन उसकी एक निश्चित समय है कि आप कितने देर लगातार देख सकते हैं लेकिन बुक्स के कंटेंट में अलग चीज़ें होती है वो यानी बायोलॉजिकल फ्रेंडली ज़्यादा है तो स्वास्थ्य की समस्याएं अलग हैं सोशल वाली प्रॉब्लम्स अलग हैं एजुकेशन पर यदि आप फोकस करें तो एजुकेशन में आप ये कर सकते हैं कि जो व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता है जो आप आकस्मिक डिसीजन लेते हैं जिसको कहते हैं जो प्रशासन में आपको त्वरित डिसीजन लेना है तो आप इंटरनेट का यूज़ करें तो साहब रोड कैसी है इधर कैसी है तो आप उसके लेवल पर हो सकता है जो आप ले रहे हैं वो डेटा अभी अपडेट नहीं आप भूल जाएंगे चलिए ठीक है और आप कुछ जानना चाहते हैं कर मेहनत करो करंट इशूज बीच पढ़ते रहना पेपर वगैरह ठीक है और सब्जेक्ट का तो आपका ठीक है मतलब मुझे लगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बात नहीं की लेकिन सोच मुझे आपको ठीक है ओके।